सूबे में कैप्टन सरकार बनने के बाद आज पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जलंधर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही कैप्टन की मौजूदगी में सेंटा हल्के से विधायक रविंद्र बेरी के खिलाफ जमकर हाई-हाई शुरू हो गई। प्रदर्शन कर रही महिला सुषमा रानी बासी ठंडमल्ला जलंधर ने बेरी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि बेरी ने उनके परिवार का जीना हराम कर दिया है और उनके परिवार आज दुखी होकर जहर खाने के लिए मजबूर है। बातचीत के दौरान महिला ने कहा कि उनके बेटे की किताबों की दुकान पर 70 लाख की चोरी हुई थी और आरोपियों को बचाने में बेरी मदद कर रहे हैं और पुलिस को अदालत में चालान पेश नहीं करने दे रहे। यही नहीं, महिला ने यहां तक आरोप लगाया कि बेरी ने उनके बेटे को जान से मरवाना चाहते हैं। ब्यूरो फेरा चाणक न्यूज जलंधर। फोन नंबर दे दो।